गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? ओके, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द वर्ड फोर्स। ए पुश और अ पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे हम कोई चीज़ को धक्का दे रहे हो, जैसे पीछे से भी धक्का दे रहे हो और आगे से भी धक्का दे रहे हो, उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है हम लोग चेंज करते रहते हैं, उस अगर धक्का देते तो उसका जो वो जहाँ पे रहता है उसकी जगह चेंज होती रहती है। जैसे हम उसे धक्का देते तो उसकी जगह चेंज होती रहती है। ओके, अब हम लोग उसके फोर्स हैव अ टू पार्ट द, वो कौन कौन से हैं, मैकेनिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैकेनिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेट फोर्स आर द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेट फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। इट इज़ एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक पोल ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट। जस्ट लाइक आपने दो मैग्नेट लिए, दोनों में नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है। जस्ट अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ेंगे तो वो नहीं होगा, उसमें बीच में फोर्स, उसमें आप उसे चिपकाने की कोशिश करोगे बट बीच में उसमें फोर्स लगेगा। ओके, वो नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ और साउथ को जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा। ओके, उसमें नहीं, फोर्स नहीं अप्लाई होगा। बट अगर आप दो मैग्नेट को साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ जो भी जोड़ेंगे तो उसमें बीच में फोर्स अप्लाई ज़रूर होगा। ओके, आपको समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ए फोर्स विच ऑलवेज ऑन इज इट एट्रैक्टिव फोर्स। एवरी कैलेस्टिकल बॉडी दैट इज दिस फोर्स, द फोर्स दैट कॉजेस एपल्स टू फॉल टूवर्ड्स the ground and the planet to orbit the sun, the force is called gravitational force. Example of gravitational force, force of gravity of earth. जैसे आपके से अर्थ है, उसमें आप, उसमें जो उसका ग्रेविटी फोर्स, मतलब जैसे आप उड़ रहे हो तो जैसे उसमें ग्रेविटी फोर्स, जो हॉट एयर बैलून उस पर ग्रेविटी फोर्स होता है। ओके, मतलब हवा का, जो हवा होती है उसकी फोर्स में लगती है। ओके ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।